नीली जर्सी वालों, 130 करोड़ सपनों के रखवालों, दिखा के जज्बा लहरा दो तिरंगा, इस बार फिर से विश्व कप उठा लो, ऐ नीली जर्सी वालों। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करता हूँ कुछ लाइनों के साथ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और दोस्तों यही करिश्मा आज कर दिखाया है इंडियन क्रिकेट टीम ने। इंडियन क्रिकेट टीम अब सीधे पहुंच चुकी है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, क्योंकि उन्होंने शाम को न्यूजीलैंड को हरा दिया है। और न्यूजीलैंड को न सिर्फ हराया बल्कि वो बदला लिया जो लगातार 20 सालों से हमारे ऊपर बदनामी का दाग था, क्योंकि लगातार 20 सालों से हमें न्यूजीलैंड हराती आ रही थी। 2019 के वर्ल्ड कप में वो मिलीमीटर से जो हम सेंटीमीटर से हम जो हारे थे, जो धोनी के रन आउट हुए थे और हम वो मैच हारे थे, उसका बदला आज हमने बहुत बुरी तरह से लिया उनके साथ, क्योंकि हमने उनको 70 रनों से हराया। अब बात करेंगे हम जीत के सबसे बड़े हीरो की। दोस्तों सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद शमी का, क्योंकि आज ये ना होते तो टीम इंडिया अहमदाबाद नहीं भारत के अंदर ही रह जाती, मतलब अहमदाबाद नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, 7 विकेट लिए। उसके बाद यदि हम बात करेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण वाली थी वो विराट कोहली की, क्योंकि विराट कोहली ने इस बार 50वीं जो अपनी सेंचुरी बना दी। और इस सेंचुरी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह सेंचुरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके आइडियल जो सचिन तेंदुलकर सर थे, वो और उनकी वाइफ दोनों एक ही स्टेडियम में मौजूद थे, और उन्होंने लगभग जब उन्होंने सेंचुरी लगाई 50वीं, तो लगभग 2 से 3 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट लगातार चलती रही, किसी ने भी अपनी जो मतलब ताली रोकी नहीं, लगातार ताली बजाते रहे, 2-3 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। वो सचिन सर भी खड़े हो गए, सब मतलब पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया था जब विराट कोहली ने अपनी जो 50वीं सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद हम बात करेंगे श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर ने लगातार अपना दूसरा शतक लगा दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे राहुल की, राहुल ने भी अच्छा कमबैक किया, रोहित शर्मा ने जो शुरुआत दी थी उसे ही पता चल गया था कि रोहित आज अलग अंदाज में उतरे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शुभमन गिल को कुछ क्रेम्प आए थे जिसके कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी 80 रन की जो है शानदार पारी खेली, और अगर क्रेम्प नहीं आते तो वो शतक भी लगा देते। दोस्तों यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की टीम की, तो न्यूजीलैंड में जो डेविन मिचेल थे उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और उनके लिए उनकी सराहना भी करनी चाहिए, क्योंकि इस विकेट पर जो जब इंडिया के बेस्ट पेस अटैक, बेस्ट बॉलिंग के सामने यदि आप ऐसे इस तरह से खेलते हो तो वो सराहना ही हो जाती है, मतलब सराहना की जानी चाहिए उनकी। तो डेविन मिचेल ने जो है 134 रन बनाए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों अब टीम इंडिया पहुंच चुकी है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, वहां पर फाइनल खेला जाना है 19 नवंबर को। अब जो भी आज जो मुकाबला खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच, 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो आज का मुकाबला है, उसमें से जो भी जीतेगी वह पहुंच जाएगी सीधे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, और जो भी हारेगी वो सीधे पहुंच जाएगी अपने कंट्री, अपने देश, अपने मुल्क। तो दोस्तों हम भी यही चाहेंगे कि आज का मुकाबला हो और कोई जो भी टीम आए उसको आने दो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने आपको 2015 में हराया था, उसका भी बदला लेंगे, और साउथ अफ्रीका तो ठीक है डिविलियर्स अपने भाई ही, तो वो भी आ जाए तो कोई समस्या नहीं, बाकी वर्ल्ड कप हमारे हाथ में ही आना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।